मंडलीय जेल में बंद यूक्रेन की महिला मॉडल डायरिया कुबोलचन आज रिहा हो गई। पिछले 2 महीनों से वह जेल में बंद थी। उसे ले जाने के लिए उसके 2 साथी कल चार्टर प्लेन लेकर आए थे, लेकिन जमानत देर से मिलने के कारण डायरिया गुरुवार को जेल से बाहर नहीं आ पाई। आपको बता दें कि यूपी की एसटीएफ ने मॉडल डायरिया मोलचन को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। 20 साल की यूक्रेन की इस मॉडल को गोरखपुर के एक होटल में गिरफ्तार किया गया था। वो बिना वीजा के ही यहाँ रह रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के बाद उसे एसटीएफ ने पकड़ा था। वो नेपाल के रास्ते खाड़ी के देशों में जाना चाहती थी। इसके लिए डायरिया अपने साथियों के मदद से कुछ फर्जी दस्तावेज भी बनवा रही थी। गोरखपुर आने से पहले वह दिल्ली में महीने भर से रह रही थी। डायरिया ने कुछ मॉडलिंग एजेंसियों के लिए दिल्ली में रहकर मॉडलिंग भी की थी। फिलहाल लगभग 2 माह से मंडलीय कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में बंद थी और कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डायरिया के वकील जुगल किशोर मिश्रा और एसपी क्राइम आलोक शर्मा ने बताया। अंदर बाइट होगी वकील साहब, एक मिनट बात कर लीजिएगा भैया। कोर्ट से वापस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। हमारा नाम जुगल किशोर मिश्रा है। आप डायरिया मोलचन के वकील हैं जी। अच्छा, क्या हुआ, कब ये अरेस्ट हुई थी, क्या वजह थी और क्या हुआ, अभी जमानत मिल पाई है? 2 अप्रैल 2018 गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट से उसका बेल हुआ, अब आज उसका जो है रिहाई हो जाएगी जी। क्या फैसला दिया जज साहब? जज साहब, पहले से फैसला हाई कोर्ट से आया हुआ है कि इनको जो है 2-2 लाख की शॉर्टेज पर रिहा किया जाए। आज जमानतदार पेश हुए हैं, जमानत मंजूर हो गया है, रिहाई परवाना भी चला जाएगा। अच्छा, कौन जमानतदार है, कहां से है? ये चीजें आप हमसे मत पूछें, वो जाकर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं और भी जगह आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, सुनने वाला चार्टर्ड प्लेन से आए, ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए पासपोर्ट इनके पास नहीं है, तो क्या जज ने ये भी कहा है कि कुछ घंटों के अंदर ये अपने एम्बेसी चली जाए या नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो जेल मैनुअल के अनुसार जेल अधीक्षक कोर्ट के आदेश का अनुपालन, एक निर्देश आएगा। क्या लगता है, फिर से पुलिस अरेस्ट कर सकते? नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है रिलीज होने के लिए, पुलिस के पास ही है ना, तो फिर से अरेस्ट करने की बात ही नहीं होती। हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके पास, विदाउट पासपोर्ट नहीं है वो। बस बस रहने दो भाई, वही वही वही, ठीक है ठीक है। डारिया, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर रिलीज ऑन जेल? अरे यार रुको भाई, साली ऐसा नहीं है, ये ढोल भी होगा। यो एक विदेशी राष्ट्र का
डारिया मोलचंद जो यूक्रेन की निवासी है, उन्हें से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। एसटीएफ उसके बाद थाना कैंट पर इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 293/2018 पंजीकृत हुआ, अंतर्गत धारा 419, 420, 467 और जो फॉरनर एक्ट है 1946 का, उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकरण विवेचनाधीन है। उसकी विवेचना निरीक्षक कुशल पाल सिंह और उनकी टीम कर रही है। इस संबंध में ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा उसे जमानत प्रदान की गई, जिस संबंध में आज उसकी जिला जेल गोरखपुर से रिहाई हुई है और महिला के पास कोई वैध वीजा इंडिया में रहने का नहीं है और इसी कारण को दृष्टिगत रखते हुए जेल अधीक्षक द्वारा जो पत्र प्रेषित किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में एक संपूर्ण टीम गठित करके उक्त महिला को संबंधित राष्ट्र यूक्रेन के दूतावास तक सुरक्षित महिला आरक्षियों के साथ पुलिस प्रोटेक्शन में नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। इस हेतु टीम का गठन करके संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उक्त महिला को जो गिरफ्तार किया गया था उसके पास इंडिया में रहने का या इंडिया में आने का कोई वैलिड वीजा नहीं था एंड शी कुड नॉट प्रोड्यूस दैट वैलिड वीजा। आल्सो शी वाज ट्रेवलिंग, इट वाज फाउंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन दैट शी वाज ट्रेवलिंग विद ए फ्रॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे नए नए तथ्य आते चले जाएंगे वैसे वैसे केस में प्रोसीड होता चला जाएगा। दो जमानतदार जिन्होंने जमानत ली है, दे बिलोंग टू कलकत्ता, वेस्ट बंगाल।